भाजपा द्वारा शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर इंदिरा नगर में मौजूद पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। भाजपा द्वारा शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा इंदिरा नगर स्थित पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मना रहे हैं। उन्होंने जनसंघ जनता पार्टी की सेवा की, भारतीय जनता पार्टी आज उसी का मूल रूप है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान चलकर देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, वंदना खंडेलवाल, दीनदयाल उपाध्याय मंडल के सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 25 सितंबर के दिन हम पंडित दीनदयाल मंडल में और यहाँ दीनदयाल वाटिका में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं और सारे कार्यकर्ता यहाँ दीनदयाल जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने, हम सब लोग जानते हैं, संघर्ष के बाद जनसंघ जनता पार्टी की सेवा की और भारतीय जनता पार्टी आज उसी का मूल रूप है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो मार्ग प्रशस्त किया था उस पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब चल रहे हैं, वो लगातार दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एकात्म मानववाद दिया है। एकात्म मानववाद के आधार पर हम सब लोगों की सेवा में लगे हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का मंत्र था चरैवेति चरैवेति, और उस चरैवेति के मंत्र को लेकर हम लगातार आगे की ओर बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल जी ये कहते थे, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं गरीब तक पहुँचाना है। आज कुशाभा ठाकरे जी की भी हम जन्म जयंती के शुभारम्भ के अवसर पर सेवा के प्रकल्प पर प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा के पुंज रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, राजमाता जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभा ठाकरे जी, ऐसे महापुरुषों के बतावे मार्ग पर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जितनी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग से चलती है।